मल्टीपर्पज चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच। अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह, मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज चैनल पर। और मेरे स्टाइल में आप दम का कीमा जो है झटपट दम का कीमा सीखिएगा और बहुत ही आसान है। तो ये मैंने जो है फ्राई की हुई जो प्याज है यानी आनियन वो ली है और देख लें कितनी ली है। तो पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि मैंने हाफ के जी जो है कीमा लिया है और इसको मैंने धो के इसको खुश कर लिया है। फिर इसमें मैंने ये जो है तीन बड़े साइज़ की जो प्याज है मतलब दरमियानी साइज़ की प्याज को उसको मैंने मतलब फ्राई कर लिया था और फिर इस तरह का हो गया। फिर इसकी तरफ चले आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें आपको दिखाते हैं कि मैंने इसमें जो है भुना कोटा ज़ीरा लिया है और धनिया पाउडर लिया है और ये गरम मसाले के साथ मैंने जो है जायफल और जावित्री जो बिल्कुल ये कम मकदार में हमेशा जायफल जावित्री डालना चाहिए इसमें मैंने मिक्स कर दिए कि वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बार में बता दूँगी कितने ली है। तो ये जो है 1 टेबल स्पून है, ये भी 1 टेबल स्पून है और ये भी 1 टेबल स्पून है। और मैंने इसमें जो है भून कर जो है मैंने बेसन को रख लिया है। तो ये आपने इसको हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, काला हो जाएगा, काला होने से इसका जायका ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने ली है हाफ कटोरी के करीब जो है मैंने इसमें योगर्ट लिया है। आप मैं इसमें जो है लेमन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इमली के पल्प का इस्तेमाल करूँगी, वो भी आप सबको शेयर करूँगी। इसमें मैंने लिए है चिली फ्लैक्स लिया है और चिली पाउडर लिया है और जो ये सॉल्ट है ये नमक लिया है। और इसमें मैंने जो कचरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है पिते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा बहुत सारे ऐसे हैं जिससे आप गलाने का कुछ गलाने का पाउडर भी आता है वो भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें जो है पाउडर लिया है इसका अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है ना पाउडर वो लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं कच्चा वाला, मैंने पाउडर लिया है और इसमें मैंने कचरी पाउडर मिला दिया ताकि ये आसानी से गल जाए। और जल्दी से हम इसमें जो है सब मिक्स करते हैं और दिखाते हैं, पहले हम खुद मिक्स कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमने इसमें ये सब इतना डाल लिया था मैंने और ये प्याज अनियन डाला है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो डाले हैं और सारे मैं डिस्क्रिप्शन बार में आपको मेंशन कर दूँगी, जो आपके समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे क्वेरी में पूछ सकते हैं। मैंने सब चीज़ डाल लिया है और अब योगर्ट डालूँगी, योगर्ट भी आपको डाल देती हूँ और फिर इसको सबको मिक्स कर दूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, ये सबको हमें खूब मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको ज़्यादा देर के लिए राइस नहीं करना क्योंकि मैं झटपट बता रही हूँ और जो दूसरे स्टाइल से बताते हैं तो उसको आप राइस करने रखेंगे तो वो होगा। इसमें हमने कचरी पाउडर डाला है, ये खुद ही जल्दी से गल जाएगा और इसको हम अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब मैंने इसमें ऑयल आप आधी कटोरी डाल दी है, अब इसमें ये डाल रही हूँ और ये पूरा इसमें कीमा आपको डाल देना है। मैं हाफ के जी लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से ये बड़ा जो इसकी इंग्रेडिएंट बड़ा ज़्यादा और कम कर सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसको डबल कर सकते हैं क्वांटिटी में, और मुझे स्पाइसी इतना मतलब नॉर्मल पसंद है मेरे घर वालों को, मैं उस हिसाब से करती हूँ। अब इसको हम पकने रख देंगे और फिर इसको ढाक देंगे, कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी पकाएं तो बड़ा टेस्टी बनता है, मगर शर्त है कि देसी घी असली वाला हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है देसी घी में स्मेल आ रही होती है, आपका सारा कीमा ख़राब होता है। और आप पपीता भी डाल सकते हैं, मैंने कचरी पाउडर डाला है पपीता और बताया ना कि ये सब चीज़ें आप डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और ये झटपट बन जाता है जिस तरह मैंने बताया है कि इस तरह करके इसको हमें कवर करके रखना है। और जितनी मैंने इसमें जो आप इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सब आपको डबल कर लेना है अपने हिसाब के मुताबिक और फिर मैं जो है डिस्क्रिप्शन बार में इसको मेंशन कर दूंगी तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इसको हम कवर करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मैंने इसको कवर करके रख दिया है, आप इसको पकने दे रही हूँ। बस देखिए अभी से कितना ज़बरदस्त इसमें अरोमा उठ रहा है और इतनी खुशबू आ रही है
थोड़ी सी देर और लगेगी बस, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिएगा कितने मज़े का बनेगा। इसमें इमली का जो पल्प डालूंगी और उसके बाद फिर कोयले की हम इसमें स्टीम मतलब धुनी देंगे, तो वो भी देखिएगा। इस स्टेज पर व्यूअर्स, हमने इमली का पल्प ढाई चम्मच जो है टेबल स्पून लिया है। तो अब हम इसमें डालते हैं अपनी कढ़ाई में। तकरीबन हमारा जो है कीमा तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, हमारा तकरीबन कीमा तैयार हो गया। अब हमने जितना ये लिया था ये पूरा हम डाल देंगे। डालने के बाद इस पर हम चम्मच चलाएंगे और दिखाते हैं आपको व्यूअर्स। इसमें चम्मच हमें पूरा चलाकर इसको जो है कवर कर देना है। फिर इसके बाद हम इसमें जो है स्मोक करेंगे, अभी थोड़ा सा और हो जाए। व्यूअर्स, अब स्मोक पे हम इसमें डालेंगे और ये देखिए स्मोक निकल रहा है। हमने तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया। अब इसको हम फौरन ढक्कन को कवर करेंगे ताकि स्मोक रहे, और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे और दिखाते हैं आपको। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब हम आपकी मर्ज़ी है, इसमें ग्रीन चिली और ये आपने जो है सब्ज़ धनिया डाल लें। ये डालकर आपने इसमें कवर कर लेना है, मतलब ये इसको इस तरह डालें जो आपको स्पाइसी और भी लगे तो ये कर लें। और बस आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।